नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 गणित विषय में अभ्यास 3.6 लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली 3.6 का ये पहला क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी जो हमें समीकरण दिए हैं, इन्हें हमें रैखिक समीकरण बनानी है पहले, और फिर इन्हें हमें हल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माने ये हमारे पास समीकरण पहली है और यह है समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो इन्हें हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया हमने इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/x करके। कैसे कि माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। हमने p और q मान लिया इन्हें, तो ये समीकरण हमारी पहली वाली हो गई कि ये p 1/x का p बन गया। तो ये होगी पी बटे 2 प्लस क्यू बटे 3 बराबर 2। क्या करा हमने, इसका एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम आ गया हमारा बेटा 6 आ गया नीचे। तो ये हो गया हमारा 3 पी प्लस 2 क्यू बराबर 2। 6 हमारा मल्टीप्लाई में भाग गया, तो ये हो गया हमारा 3p प्लस 2q बराबर 12। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। यानी समीकरण 1 हमारी इस रूप में आ गई है बदल के। अब हमने समीकरण 2 को लिया, तो अगर हम समीकरण 2 को से करते हैं, ये कहाँ से है बेटा, ये है समीकरण 1 से। अब हम लेते हैं समीकरण 2 से, तो ये होगी बेटा हमारी p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6। इनका बेटा एलसीएम लिया हमने, तो इनका एलसीएम आ गया हमारा नीचे 6 एलसीएम आ गया। तो ये बन गया हमारा 2p प्लस 3q बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये हमारा बन के आया 2p प्लस 3q बराबर 13। ये आई हमारी समीकरण नंबर 4 बन का। अब हमारी समीकरण 3 और समीकरण 4 ये हमारी रैखिक समीकरण हो गई। अब हमें 3 और 4 को हल करना है। अब हमें इनमें क्या करें, क्योंकि देखें या इसका तो 3p है, इसका 2p है, इसका q में 2 है, इसका q में 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने पहले अपनी समीकरण उठाई और इस समीकरण को मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितने से, 3 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आई 2 3 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। और यह आई, यानी हमारी समीकरण 3 इस रूप में बदल गई, और यह हो गई 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। समीकरण 4 इस रूप में बदल गई। हमने क्या करा, इन्हें हमने घटाया, तो माइनस 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 इससे ये कट गया। अब 9 में से 4 गया, तो हमारे पास बचता है माइनस का 5 क्यूब इज इक्वल टू 9 में से 4 गया तो 5 15 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 3 15, तो क्यू बराबर आया निकल के हमारे पास 3। अब क्यू का मान उठा कर रख दें बेटा, हम कोई सी समीकरण में, चाहे 3 में रख दो या 4 में रख दो। अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं, Q का मान
तीन में रखने पर। तो ये है बेटा हमारे पास 3p प्लस 2q, क्यू की जगह रख दिया हमने 3, इज इक्वल टू 12। तो 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 6 उधर ले गए हम, तो 3p इज इक्वल टू हमारे पास बचा 6, p बराबर आया निकल का हमारे पास 2। अब बेटा p और q के रूप में आ गए मान, हमें मान चाहिए x और y के, तो हमारे पास क्या है, चूंकि 1/x बराबर है हमारा p और बराबर हो गया 2, यानी 1/x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 1/2 आंसर। इसी प्रकार बेटा अगर हम निकालेंगे y का मान, तो y का मान क्या है कि 1/y इज इक्वल टू हमारी q के, और q का मान है 3, तो y बराबर आ जाएगा बेटा हमारे यहाँ से 1/3 आंसर। बेटा अब ये क्वेश्चन हमारा इसी के साथ समाप्त होता है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखते हैं बेटा ये इसका सेकंड क्वेश्चन, ये हमसे कह रहा है कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, ये हमें पहली समीकरण दी है। दूसरी समीकरण हमारी 4/√x माइनस 9/√y बराबर माइनस 1। अब हमें क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में सदैव मान लेते हैं, हमने क्या करा कि माना 1/√x बराबर p मान लिया हमने, और 1/√y बराबर मान लिया हमने q। हमने क्या किया, तो ये तो हो गया हमारा समीकरण एक किस रूप में बनेगी, ये बन गई बेटा हमारी 2p प्लस 3q बराबर समीकरण बराबर 2। ये तो हो गई बेटा इस रूप में हमारी समीकरण एक, या इसका नाम रख दो 3 रख दो, ये होगी समीकरण 3। अब 2 में रखते हैं, तो ये होगी बेटा हमारी 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1, ये बनी बेटा हमारी समीकरण नंबर 4। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, हम यहाँ से कोई सी विधि लगा सकते हैं, हमारे पास विलोपन होती है, बजगुणनफल होती है, किसी से भी जिससे चाहो उससे कर सकते हो आप सॉल्व। अब हमने देखा बेटा अगर इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी पी के, तो ये बनी बेटा 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई करी तो 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 3 करो, और 4 बेटा हमने इसी प्रकार से उतार ली, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1, ये रही हमारी 4। क्या किया हमने, इन्हें घटा दिया घटाने पर, माइनस प्लस प्लस ये बेटा हमारे कट गए, 9 और 6 15 हो गया बेटा, 15q बराबर 4 और 1 5, तो बेटा q बराबर निकल के आया 5/15, यानी कि 5 ही कम 5 और 5 3 15, यानी 1/3 निकल के आया। अब बेटा q का मान उठा कर रख दो समीकरण 3 में, q का मान 3 में रखने पर, 3 बेटा हमारी ये है 2p प्लस 3q, और q की जगह रखेंगे बेटा हम 1/3, तो बराबर है बेटा हमारा 2, 3 से हमारा 3 कट गया, तो 2p बराबर 2p प्लस 1/2, तो बेटा 2p बराबर बचा हमारे पास 1, और p इज इक्वल टू आ गया 1/2, q बराबर आया था 1/3 और p बराबर आ गया 1/2। अब हमने क्या करा बेटा, ये वैल्यू वापस करनी है, क्योंकि p किसके बराबर है, 1/√x के, 1/√x बराबर है हमारा p के,
और बराबर हो गया एक बटे दो के। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि रूट एक्स बराबर हो गया हमारा दो के, क्योंकि इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दो यहाँ आ गया, एक इसके साथ चला गया। या बेटा हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट हटाएंगे तो उधर, जब इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया चार, ये हो गया एक्स का मान। अब बेटा हमें ऐसे निकालना है वाई का मान निकालना है, तो हम यहाँ से उठाएंगे कि एक बटे रूट वाई इज इक्वल टू हमारा किसके, क्यू के बराबर है, और क्यू की वैल्यू है एक बटे तीन। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, रूट वाई बराबर हो गया तीन के, और वाई बराबर हो गया हमारा, वर्गमूल हटाया तो इधर वर्ग कर दिया और तीन का वर्ग हो गया नौ आंसर। इसी साथ बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। हम बच्चों देखते हैं इसका चौथा पार्ट। ये दिया है हमें कि पाँच बटे एक्स माइनस वन प्लस एक बटे वाई माइनस दो बराबर दो, दिया छः बटे एक्स माइनस वन माइनस के तीन बटे वाई माइनस दो बराबर एक। हमने क्या करना है, जैसे हमने पिछले सवाल करें ठीक उन्हीं के जैसा करना है। हमने इसे मान लिया कि माना वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर हमने मान लिया पी, तथा वन अपॉन वाई माइनस दो बराबर मान लिया हमने क्यू, ये मान लिया हमने। अब ये वैल्यू हमें इन समीकरणों में अपनी लगानी है। तो हमारी पहली समीकरण क्या बन गई, पहली समीकरण बनी हमारी फाइव पी प्लस, ये हो गई क्योंकि वन अपॉन वाई माइनस दो पूरा क्यू के बराबर है, इसलिए हो गया अकेला क्यू बराबर दो। ये हो गई समीकरण नंबर एक का, अब हमने रूप बदल कर ऐसे हो गई हमारी समीकरण नंबर ये तीन। अब यही वैल्यू हमने इस दो में लगाई तो ये हो गया हमारा छ पी माइनस तीन क्यू बराबर एक, ये हो गया हमारी समीकरण नंबर चार। अब हमने देखा भाई इन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बराबर नहीं हो रहे। अगर हम पहली समीकरण में तीन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे क्यू वाली वैल्यू समान हो जाएंगी, तो करते हैं। तो ये हो गया तीन पंजे पंद्रह पी प्लस तीन क्यू बराबर छः, यानी ये हमारी कौन सी समीकरण तीन इस रूप में आ गई, और चार हमारी जिस रूप में चल रही है वैसे ही रहने दी हमने, छः पी माइनस तीन क्यू बराबर एक। अब हमने क्या करा, इन समीकरणों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा है, क्योंकि जोड़ने से क्या होगा, ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, ये कट गए। अब हमने इन्हें जोड़ा पंद्रह और छः, ये हो गया हमारा इक्कीस पी बराबर छः और एक सात, तो पी बराबर हो गया हमारा सात बटे इक्कीस, यानी कि सात ही कम सात और सात या इक्कीस, पी बराबर आ गया हमारा एक बटा तीन। पी की वैल्यू उठा के हमने रख दी समीकरण नंबर तीन में, पी का मान तीन में रखने पर, तो ये हो गई हमारी फाइव और पी, क्योंकि पी की वैल्यू हमारी एक बटा तीन, ये रख दी हमने, प्लस क्यू बराबर दो, तो ये हो गया हमारा पाँच बटे तीन। तो क्यू बराबर हो गया दो माइनस पाँच बटे तीन, तीन हमने इसका एलसीएम लिया तो छः माइनस पाँच, यानी कि ये हो गया हमारा एक बटे तीन, क्यू की वैल्यू आ गई। अब पी और क्यू के मान हम वापस लौटा रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्स और वाई के मान चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका सबसे पहले हमने पी का मान लगाया इसमें उठा के, क्योंकि हमारे पास दिया है कि वन अपॉन एक्स माइनस वन बराबर है हमारा पी के, और पी की वैल्यू है एक बटा तीन, तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी एक बटा तीन। क्रॉस मल्टीप्लाई करी इनकी हमने तो एक्स माइनस वन बराबर हो गया हमारा तीन, या एक्स बराबर हो गया चार आंसर, ये एक्स का मान आया। अभी हमें निकालना है वाई का मान, हमने वाई की वैल्यू देखी, हमें दिया है वन अपॉन
बाई माइनस दो बराबर है हमारे क्यू के, और क्यू की वैल्यू है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनकी भी, तो बाई माइनस दो बराबर हो गया हमारा 3 के, माइनस के दो हैं उधर जाने के बाद प्लस के हो गए, तो y इज इक्वल टू हो गया 5 आंसर। इस प्रकार इस समीकरण के x और y के दोनों मान हमारे आगे निकल के। अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप समझ चुके होंगे इसे। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यहाँ उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा बेटा, माना ही कुछ कि माना स्थिर जल में बेटा ऋतु है ये, मैं ऋतु की चाल में ऋतु की चाल इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल माना धारा की चाल है हमारी वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ऋतु की मान ली है कहाँ कि स्थिर जल में या शांत जल है वहाँ पर जो ऋतु की चाल है वो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटे और जो धारा की चाल है वो है वाई किलोमीटर प्रति घंटे। अब बेटा हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन के अनुसार कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि धारा के अनुकूल, अब यहाँ से हम बेटा निकालें तो धारा के अनुकूल चाल बेटा, क्योंकि जिधर को धारा है उसी की दिशा में चल रहे हैं इसलिए दोनों चालें हमारी जुड़ जाएंगी। अनुकूल हो गई हमारी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हम निकालेंगे बेटा धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं कि प्रतिकूल चाल हो गई हमारी बेटा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा हमारी पहली कंडीशन क्या कह रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम पहली शर्त हमारी कह रही है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जब बेटा अनुकूल की बात है तो अनुकूल में चाल कितनी होगी हमारी x प्लस y। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय लेती है 2 घंटे, तो यहाँ से ये 2 × 20 तो ये हो गया हमारा x प्लस y बराबर 10। ये बन गई बेटा हमारी समीकरण नंबर 1। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहती है, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार, यानी सेकंड कंडीशन क्या कहती है इसकी, ये कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो बेटा प्रतिकूल में क्या हो गई हमारी x माइनस वाई, 4 किलोमीटर है, यानी 4 किलोमीटर कितने समय में, 2 घंटे में, 2 × 4 यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब बेटा हमारी 2 समीकरण हो गई है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, दोनों समीकरण उठा ली, पहली हमारी x प्लस वाई बराबर 10, ये तो हमारी पहली समीकरण, और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 2। क्या करा बेटा इन्हें जोड़ दें, जोड़ने पर y से y कट गई तो ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 6। अब x क्या माना था हमने, x माने थे ऋतु की चाल, तो x बराबर 6 यानी ऋतु की चाल कितनी हो गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति
घंटा हो गई। एक्स क्या, यह है बेटा हमारी ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। अब हमने एक्स का मान उठा कर रख दिया इनमें से किसी भी समीकरण में, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखा हमने एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना है 6, तो 6 प्लस 22 बराबर हो गया 10, या 22 इक्वल टू हो गया हमारा 4, क्योंकि 10 में से 6 कट के 4 बचता है। और 22 क्या है हमारी, 22 है धारा की चाल, ये क्या है धारा की चाल। तो बेटा ऋतु की तो चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया बेटा इस क्वेश्चन का ही हमारा। हम देखते हैं आगे। अब बेटा इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी प्रश्नावली समाप्त करते हैं। इससे अगली वीडियो में इससे आगे का की प्रश्नावली लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।